नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान की अजमेर में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीते बुधवार को एक ऐसी वारदात हुई है जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका समय हो रहा है तकरीबन 3:10, और घटना है सुसाइड की। जी हाँ, आपने सही सुना है। दरअसल लद्दाख की रहने वाली फुलस्टॉक डोलमा नाम की एक PhD स्टूडेंट्स ने 10:45 के करीब पंखे से लटक कर फांसी लगाने की कोशिश की थी। यूनिवर्सिटी के कोई भी अधिकारी इस बात पर बोलने को तैयार नहीं है, मगर स्टूडेंट्स की मां ने तो पता चलने पर उसकी रूममेट ने तुरंत दरवाजा तोड़ा और उसे बचा लिया था। उस समय उसकी धड़कनें चल रही थी और वह ऐसी स्थिति में थी कि उसे बचाया जा सकता था। उसके दोस्तों ने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन हॉस्टल में कोई एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हॉस्टल वार्डन ने उसे अपने निजी वाहन में विश्वविद्यालय चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने की कोशिश की। उस वक्त वहां मेडिकल ऑफिसर और नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था। कॉल करने के बाद नर्सिंग स्टाफ आया और उसे किशनगढ़ अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन एम्बुलेंस को यूनिवर्सिटी के बाहर निकलने देने के लिए लोगों ने सुरक्षा अधिकारी को फ़ोन किया और बाहर जाने की परमिशन मांगी। एम्बुलेंस में कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिससे समय बर्बाद होने के कारण उसकी हालत गंभीर हो गई। इन सभी कारकों के कारण अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। जब सुसाइड की जानकारी दूसरे स्टूडेंट्स को मिली तो वे देर रात में ही धरने पर बैठ गए और 7 दिन में घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग करने लगे। स्टूडेंट्स का कहना है कि मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने ऑक्सीजन की जगह ड्रिप लगा दी। जी हां, आपने सही सुना, उन्होंने ऑक्सीजन के बदले ड्रिप लगा दी। इससे उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उसे किशनगढ़ लेकर गए, तब उसकी मौत हो चुकी थी। अगर समय पर इलाज मिलता तो वह शायद बच जाती। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लापरवाही व संसाधनों की कमी का आरोप लग रहा है। प्रशासनिक भवन पर ताला जड़ दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर समझाइश करने के लिए प्रशासन मौके पर है, लेकिन स्टूडेंट्स मान ही नहीं रहे हैं। अगर देखा जाए तो यह यूनिवर्सिटी का लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी है। जहां 2 से 3 हजार स्टूडेंट्स पर केवल 3 से 4 नर्सिंग स्टाफ हैं और 1 डॉक्टर है, जिसमें ढंग की फैसिलिटी भी उपलब्ध नहीं है। अब इस पूरे वाक्य पर यूनिवर्सिटी प्रशासन चुप्पी साधे हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में 6 महीने के भीतर सुसाइड का यह दूसरा मामला है और सुसाइड पर भी प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे हुआ था। अब देखने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स मोर्चा कितना सफल होता है। धन्यवाद।